अगर मैं 2 से 3 माह पहले अपने आप को देखती हूँ तो मैं आज अपने आप को यहाँ एक्सपेक्ट नहीं करी. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड योर सपोर्ट एंड एनेबलर्स एज वेल. पहले तो मुझे अमेज़ॉन के बारे में कुछ भी नहीं था आइडिया. एज अ हाउसवाइफ आई एम स्पेंडिंग माई लाइक सिंपल लाइफ एंड ऑल. तो मेरी सिस्टर है, उसने मुझे ना इस चीज़ की तरफ थोड़ा सा ना मतलब गाइड किया कि आपको ये करना चाहिए, यू कैन डू इट. लाइक मैंने फिर वीडियोज़ वगैरह देखी, मैंने सीरियसली जो मैंने पहली वीडियो देखी थी वो आप ही की थी, तो मैंने वीडियोस वगैरह देखी. और मैंने मुझे याद है मेरे हस्बैंड आए थे इनरोल करवाने के लिए, और उन्होंने जब इनरोल कराया और मतलब मुझे नहीं पता था कि FBA क्या चीज़ है, मैं इसमें क्या सीखने जा रही हूँ, मैं क्या करूँगी, सीरियसली मुझे आइडिया नहीं था. जब मेरी फ़र्स्ट क्लास थी मैं एक बैक बेंचर के तौर पर बैठी हुई थी और मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरह से चलूँगी. और जब 2 क्लासेस हुई तो आई वॉज़ लाइक मैं नहीं कर सकती. सर थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे बताया कहाँ से करना है, कैसे करना है, चलना क्या, हर चीज़ सर ने मुझे बताई. मुझे ख्याल है, याद है सर, मैं आपसे बड़े कॉमन क्वेश्चन पूछा करती थी जो कि अमेज़ॉन की लैंग्वेज होती थी. मतलब मैं कहती थी सर ने हमें लेक्चर दिया, सर बोल रहे हैं ये हम नेक्स्ट हमारी क्लास होगी PPC की, और मैं वो बंदा थी जो कह रही थी सर व्हाट इज़ PPC. सर इतने कॉमन क्वेश्चन भी मेरे जो थे ना वो क्लियर नहीं थे. समहाउ हम लोगों ने खैर कोर्स वगैरह कम्प्लीट हुआ. हमारे पास ना एक हमेशा क्वेश्चन होता था कि हाउ टू ग्रैब द क्लाइंट बेसिकली, मतलब कि हम क्लाइंट रिसर्च किस तरह से करेंगे. तो मुझे इतनी जल्दी ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मैं लर्निंग प्रोसीजर में थी, मैं क्लास से काफ़ी पीछे चल रही थी. मतलब मेरी प्रोडक्ट रिसर्च भी अभी कम्प्लीट नहीं थी और कोर्स जो है वो मतलब साथ साथ आगे चल रहा था. वहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिली जिसमें मैंने कहा मतलब सोचा कि मैं जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड करूँ पहले. तो मैंने LLC को जो है ना वो सेलेक्ट किया, LLC की फॉर्मेशन सीखी, उसके ऊपर वर्क किया, रिसर्च कम्प्लीट की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना LLC से ही अपना स्टार्ट लिया. जी कि LLC फॉर्मेशन जो है ना न्यूबीज़ के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग है. जी हाँ, क्योंकि क्लाइंट के मतलब क्लाइंट रिसर्च में मुझे बहुत टाइम लग रहा था, ठीक है. और मतलब मुझे था कि मैं ऑब्वियसली अब मैं इन टच रहूँ, मैं काम करती रहूँ, तो मुझे एक ये चीज़ समझ लगी कि मुझे यहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए. तो मेरा यही है कि जो लोग अभी जैसे क्लाइंट पे रिसर्च कर रहे हैं वो सर्विसेज दे के एक्टिव रह सकते हैं. मल्टी टास्किंग एंड मल्टी स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है. आप एक स्किल पे रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है. तो आपने बेसिकली वही किया, चीज़ों को कैसे मैनेज किया एज ए फीमेल हाउस वाइफ एज ए मदर. सर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था. मैं सुबह 5 बजे सोती थी और 10 बजे उठती थी. मैं अराउंड 2 से 3 घंटे सोती थी. सेम टाइम में बच्चे उठ जाते थे, हस्बैंड को भेजना होता था, फिर सारा दिन घर के काम करती थी. जी सर बिल्कुल ऐसे ही है. और फिर भाई छोड़ के जाना और ये सब, ये बहुत टफ था सर. बट लेकिन इन सब चीज़ों को मैनेज करने के बाद इन द एंड आपको सपोर्ट, सर मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया. टाइम सबसे ज़्यादा जो मुझे एक क्वेश्चन था, मैं आपसे अक्सर क्लास में पूछती थी सर मैं टाइम मैनेज कैसे करूँ, मेरा हमेशा ये क्वेश्चन रहता था सर. आर्ट है जी को मैनेज करना. और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी रूटीन बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मैंने मैनेज किया है. फेज में आ चुकी जी सर. सर मैं न्यूबीज को यहाँ पर मैसेज और टिप्स एक देना चाहती हूँ. मोस्टली जब हम लोग क्लाइंट रिसर्च पे बात करते हैं ना तो हम लोग ना मोस्टली ऐसे होता है कि सर जो मुझे क्लाइंट मिला वो ये मॉर्निंग टाइम में था, मतलब जब सारे वहाँ पे सो रहे होते हैं. ये बेस्ट टाइम होता है मुझे जो लगता है, सुबह मतलब 9, 10, 11 के अराउंड लोग एक्टिव होते हैं और वो ग्रुप्स में पोस्ट करते हैं, वहाँ से आप ये बेस्ट टाइम है. इसके अलावा सर मैंने जो एक चीज़ की, मैंने लर्निंग के साथ साथ अपना जो सोशल नेटवर्क था ना सर उसके ऊपर मैंने बहुत फोकस किया. सोशल नेटवर्क आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एग्जैक्टली लिंक्स होने चाहिए, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप माशाल्लाह आपके सामने हैं. सर जब स्पेशली LLC की आप बात करते हैं तो मैंने तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क किया. इसमें मुझे सर की मैं बात यहाँ पर करूँगी, मैंने देखा है कि नेबलर्स में जो हमारे ट्रेनर्स हैं जब हम उनसे किसी चीज़ का क्वेश्चन करते हैं ना तो वो हमें अपना लिंक देते हैं. इस चीज़ ने सर मेरा बहुत टाइम सेव किया, मुझे मार्केट में दूसरी तरह लोगों मतलब जैसे रिसर्च नहीं करनी पड़ी, मैंने सर के लिंक के साथ लिंक बना के उस काम को प्रोसीड किया. सर बेसिकली मैंने खुद भी यही चीज़ अपने ऊपर अप्लाई की है कि मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके ही काम किया है. मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैं सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च कर रही थी या मैं क्लाइंट रिसर्च कर रही थी तो मैं अपना मतलब फुलफिल नहीं कर पा रही थी. तो मेरे लिए LLC फॉर्मेशन और LLC की सर्विसेज को चूज करना आउट ऑफ द बॉक्स ही था. और एज अ न्यूबी सर बहुत ज़्यादा काम है Amazon पे, स्पेशली Facebook के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और बहुत ज़्यादा काम है. आपकी जो अपनी नॉलेज है वो पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए. आप अगर सपोज कहीं लैग भी करते हैं ना
तो आपके पास लिंक्स ऐसे होने चाहिए कि आप लोग ऑन द स्पॉट उस चीज़ को फुलफिल कर सकें। जब मैं LLC के लिए क्लाइंट से बात करती हूँ ना, तो बिलीव करें मुझे इसी की बेस पे आर्बिट्राज और होलसेल के जो है ना क्लाइंट्स मिल गए। मतलब वो मेरी इन्फॉर्मेशन को ही, मतलब मेरी पावर लेके मेरे साथ काम करना चाहते हैं।